नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मींस क्या? वैल्यूएशन मींस हमको किसी भी चीज की एक एस्टिमेशन निकालना है, हमको किसी भी चीज की एक प्रॉपर्टी की उसकी वैल्यू निकालना है। अब वैल्यू क्यों निकालना है? ताकि मैं किसी भी जमीन को खरीद सकूं, किसी भी जमीन को बेच सकूं, या मैं किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स के साथ डील कर सकूं। मतलब मुझे क्या करना है, एक फेयर प्राइस निकालना है या वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी निकालना है। इस चीज को हम कहते हैं वैल्यूएशन। अब आप वैल्यूएशन की मदद से क्या कर सकते हैं, आप वैल्यूएशन की मदद से आज की प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू है, आप उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये वैल्यू कैसे निकलेगी, आपने अपने घर की लाइफ को कैसे रखा है, वो कितने साल से है, कितना मेंटेन करके रख रहे, किस लोकेशन पर है, तो ये सारी चीजें मिलके मुझे बताती है वैल्यूएशन। मतलब वैल्यूएशन मुझे किस काम आ रहा है, वैल्यूएशन मुझे काम आ रहा है किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं किसी का घर खरीदता हूँ तो मुझे वहां की वैल्यू पता होना चाहिए कि आज का हमारा करंट रेट क्या चल रहा है। अगर हमको हमारा करंट रेट पता चल जाएगा तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना। अब इसमें सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास, टैक्सेशन। अब जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते तो आपको पता होगा इसका आपको टैक्स भरना पड़ता है, आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी भरना है, आपको म्युनिसिपल टैक्स भी भरना है, आपको उसका इंश्योरेंस भी भरना है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपको वैल्यूएशन करने के लिए कितना टैक्स भरना है। तो ये सारे टैक्स लगाने के लिए भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को निकालना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेंट फिक्सेशन। अगर आपने कोई कमर्शियल बिल्डिंग खरीदी है और आप उसको किराए पे देना चाह रहे हैं तो उसका रेंट कितना होगा, ये रेंट भी निकालने के लिए मुझे वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। मतलब वैल्यूएशन का सिर्फ एक सिंपल सा मीनिंग है कि एक अनुमान लगाना कि उस प्रॉपर्टी की कितनी कीमत होगी, क्योंकि एग्जैक्ट कॉस्ट कोई भी नहीं निकाल सकता। हम क्या करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी दीवार के अंदर कितनी ईट है और कितना सरिया है, हम एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हैं, हम एक अनुमान लगाते हैं। उसी तरीके से हम ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि हमको वैल्यूएशन करना क्यों है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर मुझे किसी भी बैंक से लोन लेना है तो बैंक से लोन लेने के लिए उनको हमको कुछ देना पड़ता है। मींस हमको उन्हें बताना पड़ेगा कि मेरी इनकम यहाँ से आ रही है और मेरे पास इतनी इतनी प्रॉपर्टीज है। अब जब आपके पास इतनी प्रॉपर्टीज है तो आप उस चीज के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको वैल्यूएशन लगता है। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट अभी भी डिस्कस करा था, इंश्योरेंस लेना है। अगर आपको अपनी बिल्डिंग में जैसे कभी आग लग जाती है या बिल्डिंग किसी कारण से गिर जाती है तो आपको इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है बिल्डिंग का, तो वो बिल्डिंग का इंश्योरेंस के लिए भी आपको वैल्यूएशन लगेगा। सो दिस आर द वेरियस पर्पजेस ऑफ वैल्यूएशन। अब इसमें हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है कि हमको कौन कौन सी इसमें पॉइंट्स हमको नोटिस करने होंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम का सिर्फ इतना सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे पास टोटल कितनी इनकम आ रही है। समझ लेते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी को मैंने किराए पर चढ़ा दिया, उस किराए से मेरे को कितनी इनकम आ रही है, दैट इनकम इज नोन एज ग्रॉस इनकम। मतलब टोटल कितना मुझे फायदा हो रहा है उस बिल्डिंग से, उसको कहेंगे ग्रॉस इनकम। नेक्स्ट आता है मेरे पास नेट इनकम। नेट इनकम मतलब अब आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वहां से आपको किराए की इनकम आई, उस किराए की इनकम से आपको टैक्स भी भरना है, उस किराए की इनकम से आपको इंश्योरेंस भी भरना है, उस किराए की इनकम से आपको मेंटेन भी करना है। तो ये सारे खर्चे काटने के बाद आपको कितना पैसा बचा, दैट इज नोन एज नेट इनकम और नेट रिटर्न। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का सिर्फ एक सिंपल सा मीनिंग है कि आपकी जब बिल्डिंग की लाइफ खत्म हो जाएगी तो आपके पास कितना पैसा बचेगा। आपके पास कुछ पैसा तो बचेगा नहीं, तो वो पैसा क्या होगा, आपको हर साल के कुछ ना कुछ अमाउंट में पैसा इकट्ठा करना होगा ताकि जब बिल्डिंग की लाइफ खत्म हो जाए तो आपके पास एक पैसा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि आप नई बिल्डिंग को बना सकते हैं या फिर उस बिल्डिंग को आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये आगे हम आने वाली स्लाइड में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, जब भी मेरी बिल्डिंग किसी कारण से खत्म हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरी बिल्डिंग जो है वो 40 साल के लिए थी, वो 40 साल कंप्लीट हो गए, अब मेरी बिल्डिंग जो है वो फर्दर नया लोड नहीं ले सकती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डिसमेंटल करना होगा। तो जब मैं बिल्डिंग को डिसमेंटल करता हूं तो उसके अंदर से मुझे कुछ ईटे, कुछ सरिया, ये सारी चीजें मुझे काम आ जाती है, तो ये काम आने वाली चीज को हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू रहती है वो अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ टोटल कॉस्ट रहती है। क्यों? क्योंकि सरिया कभी भी वेस्ट नहीं होता, उसमें थोड़ा सा रस्ट लगता है बट हम उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू को कैसे हम डिफाइन करेंगे, यूजेबल मटेरियल माइनस कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है एन्युटी। एन्युटी मतलब मैं कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करूंगा हर साल।
मतलब आपको कितनी इंस्टॉलमेंट आएगी उसको हम कहेंगे एन्युइटी, सिंपल सी टर्म है। नेक्स्ट आती है मार्केट वैल्यू। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरली डिफाइंड होगा। मार्केट वैल्यू एक ऐसी वैल्यू रहती है जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचने जाएंगे तो उस समय आपको कितना उसका चार्ज मिलेगा, मतलब आपको उस समय उसका कितना रेट मिलेगा, दैट इज नोन एज मार्केट वैल्यू। अब ये वैल्यू जो है वो हर समय चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका घर मेन रोड पर है तो आपकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। अगर आपका घर कभी किसी गली में था बट वहां से रोड कट गई तो आपका जो घर है वो मेन रोड पर आ गया। जब आपका घर मेन रोड पर आ गया तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, दैट वैल्यू इज नोन एज मार्केट वैल्यू। मतलब आप कभी भी प्रॉपर्टी को खरीदने जाएंगे और बेचने जाएंगे उस समय का जो रेट होगा दैट इज नोन एज मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का ये मतलब है कि आज अगर मैंने एक घर बनाया और 20 साल बाद कोई दूसरा घर बनाऊंगा तो हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई नई डिजाइन आ रही है, नए नए सेंसर्स आ रहे हैं, तो हमारी जो पुरानी बिल्डिंग्स है वो थोड़ी सी आउटडेटेड होती जा रही है, मतलब एक तरीके से पुरानी होती जा रही है, तो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। अब हम जैसे बात करते हैं कि पहले हमारे जो सोफे चलते थे वो लकड़ी के चलते थे, आज हमारे पास जितने भी सोफे आते वो कुशंस के आते, पाइप्स के आते, तो हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी बिल्डिंग की जो पुरानी बिल्डिंग थी उसकी कीमत कम हो गई, दैट इज नोन एज ऑब्सोलेसेंस। नेक्स्ट आता है रेटेबल वैल्यू। रेटेबल वैल्यू मतलब आपको कितनी वैल्यू मिल रही है, आपने उसमें से सारे उसमें से अपने वो हटा दिए, मतलब आपने जितने भी टैक्सेस थे, आपके जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस थे, वो सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू हटाने के बाद आपको कितना पैसा बच रहा है। मतलब अगर आपके उसने साल भर में आपने उससे 1,00,000 रुपए कमाया और 1,00,000 रुपए कमाने के बाद आपने 20,000 रुपए उसके अंदर से टैक्स भर दिया, तो आपकी इनकम कितनी हुई, आपकी इनकम हुई 80,000, तो दैट 80,000 इज नोन एज रेटेबल वैल्यू। नेक्स्ट आता है बुक वैल्यू। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, जब भी मुझे किसी भी चीज को बुक करना है, मुझे कभी भी किसी प्रॉपर्टी को खरीदना है, दैट वैल्यू इज नोन एज बुक वैल्यू। आप लोगों ने पेपर में एड्स देखे होंगे कि अभी बुकिंग मात्र 20,000 में, बुकिंग मात्र 51,000 में, दैट वैल्यू इज नोन एज बुकिंग वैल्यू। मतलब एक बार जब आपने किसी भी प्लॉट को या घर को बुक कर दिया तो अब आपको रिमेनिंग अमाउंट पे करना है, अब बुक वैल्यू से उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। द बुक वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द पर्टिकुलर ईयर इज द ओरिजिनल कॉस्ट माइनस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईयर। डेप्रिसिएशन क्या होता है ये आगे हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट मतलब पूरी एक ओवरऑल कॉस्ट, जहां पे आपने जमीन खरीदी, आपने कुछ भी कंस्ट्रक्शन करा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इंडिया में नया आया, मैंने मुंबई में एक प्लॉट खरीदा और उस प्लॉट को मैंने कंस्ट्रक्शन करा 20,00,000, मतलब 40,00,000 की जमीन खरीदी और 20,00,000 मैंने उससे बनाए, तो टोटल कितना कॉस्ट आ गया, 60,00,000 रुपए। सो दैट 60,00,000 रुपीज इज नोन एज कैपिटल कॉस्ट। नेक्स्ट आता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि हमको कितना अमाउंट आ रहा है। जैसे आपकी जो बिल्डिंग है वहां से आपको 50,000 रुपए महीना रेंट आ रहा है, अब वो 50,000 रुपए महीना तो आप उसको एक एनुअल इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ाते जाएंगे। मतलब अगर आपको 50,000 रुपए महीना आ रहा है और 50,000 रुपए महीने के अगेंस्ट अगर आपको 5% फायदा मिल रहा है, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको बैंक दे रही है, तो आपकी 20 साल बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी। मतलब 50,000 को 5% कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो वहां से हमको वैल्यू मिल जाएगी, दैट वैल्यू इज नोन एज कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अगेन आई एम रिपीटिंग, कैपिटलाइज्ड वैल्यू वो टाइप की वैल्यू रहती है जो भी आपको सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, आप क्या करेंगे उसमें ईयर परचेज के साथ आप उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट करेंगे, ताकि वो आपकी जो इनकम आएगी वो इनकम होगी नेट इनकम। नेक्स्ट आता है ईयर परचेज। अभी हमने डिस्कस करा था कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू फिर से रिपीट करता हूँ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू वो वैल्यू रहती है जिसमें हमारी जितनी भी नेट इनकम आती है हम क्या करते हैं उसको एक कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ऐड कर देते, ताकि मुझे मेरी प्रॉपर्टी की नेट वैल्यू मिल जाती है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर आज का जो हमारा रेट है वो चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 5%, ठीक है, अगर मैं 100 रुपए डिपॉजिट करता हूँ तो 5% के हिसाब से मुझे 5 रुपए पर आना मिलेगा। मतलब अगर मुझे 1 रुपए डिपॉजिट करना है तो मुझे कितना रुपए मिलेगा, 20 रुपए। मतलब आप समझिए कि अगर आप 1 रुपए डिपॉजिट करते हो तो आपको 20 रुपए मिलेगा। सो इस टर्म को हम कहते हैं ईयर परचेस। इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, इनके जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू और ईयर परचेस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है सिंकिंग फंड।
हमने अभी थोड़ा बेसिक समझा था कि सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड रहता है जिसमें हर साल हम एक कुछ अमाउंट इकट्ठा करते ताकि जब बिल्डिंग की मेरी लाइफ खत्म हो जाए तो मैं उतना पैसा बना सकूं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरी बिल्डिंग को बनाने में मुझे लगा 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपए मुझे बनाने में लगा और उसकी जो लाइफ थी वो 50 साल थी, तो ये 50 साल तक मुझे कितना एक अमाउंट इकट्ठा करना होगा ताकि मेरे पास जब बिल्डिंग खत्म हो जाए तो उस 50वें साल के पास मेरे पास उतना ही अमाउंट आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला रहता है, I=S (I/I+1)(n-1)। फिर से एक बार समझते हैं, अगर आपने 2500 रुपए की मोटर खरीदी और वो मोटर 5 साल चलेगी तो आपको 5 साल रुपए तक कुछ एक अमाउंट इकट्ठा करना है ताकि 5वें साल आपके पास फिर से 2500 रुपए इकट्ठा हो जाए। दैट 2500 रुपए वापस इकट्ठा होने को हम कहते हैं सिंकिंग फंड। ओके, इसके भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों डेप्रिसिएशन? कभी भी मेरी जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो एज इट इज नहीं रहती। मेरी बिल्डिंग की हमेशा जब भी कॉस्ट है या प्रॉपर्टी की जब भी कॉस्ट है वो हर बार किसी ना किसी कारण से कम होती है। जैसे मेंटेनेंस के कारण भी वैल्यू बढ़ती बरकरार तो रहती है बट फिर भी कम होती है। जैसे कुछ दरवाजे ढीले होना, दीवारों की स्ट्रेंथ लूज होना, हमने एक पॉइंट डिस्कस करा था ऑब्सोलेसेंस, ये सारे हम पॉइंट्स को कहते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। तो हमको क्या निकालना रहता है कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स रहती है, विच इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड, कॉन्स्टेंट परसेंटेज मेथड एंड सिंकिंग फंड मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसा बोलती है कि हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो हर साल एक फिक्स अमाउंट से गिरेगी। जैसे इस साल 5000 रुपए कम हुई, अगले साल भी 5000 कम होगी, अगले साल भी 5000 कम होगी, अगले साल भी 5000 कम होगी। मतलब इस चीज को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें क्या हो रहा है, एनुअल डेप्रिसिएशन जो हो रहा है वो एक फिक्स अमाउंट के साथ हो रहा है। हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू हो रही है वो एक फिक्स अमाउंट के साथ कम हो रही है। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट अगर 5000 रुपए, अगर ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख रुपए, हर साल 10000 कम हो रहे तो कितने साल में, 20 साल में कितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास कॉन्स्टेंट परसेंटेज मेथड। जैसे फर्स्ट वाली मेथड में एक सेम अमाउंट था, यहाँ पे एक सेम परसेंटेज है। जैसे 2% से हर साल गिर रहा है, 3% से हर साल गिर रहा है, दैट मेथड इज नोन एज कॉन्स्टेंट परसेंटेज मेथड। इसका भी फॉर्मूला है स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट की पावर 1/n। यहाँ पे n क्या है हमारे पास, n जो है वो लाइफ ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट मेथड आती है सिंकिंग फंड मेथड। ये मेथड जो रहती है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो हर साल अलग अलग हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन एक ए अमाउंट हुआ, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन ए प्लस बी हुआ, थर्ड ईयर में ए प्लस सी हुआ, फोर्थ ईयर में ए प्लस डी हुआ, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा, फर्स्ट ईयर में तो ए था, सेकेंड ईयर में 2a+b, 3a+b+c, 4a+b+c प्लस डी। मतलब हर साल कुछ ना कुछ एक ज्यादा डेप्रिसिएशन आता जा रहा है। सो दिस मेथड इज प्रूव टू बी मोर इफेक्टिव। अब हमने ऑब्सोलेसेंस पढ़ा था, हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन क्या हो रही है, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ वियर हो रहा है, कुछ टियर हो रहा है। ऑब्सोलेसेंस क्या है, फैशन चेंज होने के कारण हमारी वैल्यू प्रॉपर्टी की कम हो रही थी। डेप्रिसिएशन जो रहेगा वो ओरिजिनल कंडीशन के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर और मोड कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑब्सोलेसेंस को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो नई नई कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई नई कौन कौन से इन्वेंशन आ रहे हैं, वो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर बिल्डिंग की एज के ऊपर भी डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा एज होगी उतना ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा। बट ऑब्सोलेसेंस को मतलब नहीं है, जितनी ज्यादा नई टेक्नोलॉजी आएगी, जितने ज्यादा नए नए इन्वेंशन आएंगे उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। हमारे पास डेप्रिसिएशन में बहुत सारी मेथड्स है, जैसे हमने अभी डिस्कस करा स्ट्रेट लाइन, कॉन्स्टेंट, सिंकिंग फंड, बट ऑब्सोलेसेंस निकालने की कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम किसी भी चीज की वैल्यू निकालते हैं, मतलब जैसे मुझे 50000 रुपए महीना इनकम मिल रही है तो वो 50000 के अगेंस्ट मेरे कौन कौन से खर्चे हो रहे, तो ये होता है मेरा रिपेयर्स होता है, म्यूनिसिपल टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेस लगते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम लगता है, मिसलेनियस चार्जेस लगते हैं। सो दिस आर द वेरियस चार्जेस हमारे किसी भी प्रॉपर्टी में लगते हैं।
तो इस चार्जेस को कैलकुलेट करने के बाद और जितनी इनकम आ रही है उनसे माइनस करने के बाद मुझे मिलती है मेरी नेट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब ग्रॉस इनकम माइनस चार्जेस और आउटगोइंग्स विल बी इक्वल्स टू नेट इनकम. सो दिस आर द वेरियस पॉइंट्स विच वी डिस्कस.